सबसे पहले ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। 9th में क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको v गिवन है 4x2। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकालना है? 1, 0, 2 पे। अब क्योंकि v x की फॉर्म में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस dv बाय यहां पर dx हो जाएगा। अगर y की फॉर्म में होता dy हो जाता, z की फॉर्म में होता dz हो जाता, और अगर xyz की फॉर्म में होता तो r हो जाता, वो पार्शियल डेरिवेटिव हो जाता, सॉरी। तो इसमें x है तो ये फॉर्मूला, v की जगह वैल्यू पुट की, डिफरेंशिएट किया, x कोऑर्डिनेट क्या पुट किया? 1। तो आंसर क्या आया? -8i कैप आंसर। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट। कितने का 2 हो गया था? हो गया। डाउट है किसी को? डाउट है? पार्शियल डेरिवेटिव है टोटल। देखो ये मेंस नीट में आया हुआ है, नॉट फॉर एनसीईआरटी, नीट में भी आया हुआ है, मैंने देखा है, पुराने पेपर में आप देखना, उसमें आपको दिखेगा। तो v आपको एक्स वाई जेड में गिवन है, आपको इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। 2 कूलम का चार्ज ओरिजिन पे पड़ा हुआ है। अगर मैं ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दूं तो क्यू इंटू ई क्या होता है? फोर्स। तो इसका मतलब हमें पहले ई निकालना है, और अगर इसमें ई निकालना है और वी एक्स वाई जेड की फॉर्म में है तो e वेक्टर का फॉर्मूला क्या है? माइनस डीवी बाई डी एक्स आई कैप, डीवी बाई डी वाई जे कैप, डीवी बाई डी जेड के कैप। क्लियर है यहां तक? तो ये आप फॉर्मूला अप्लाई करें। पहले जैसे फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करें, पहले टर्म में v को ये पुट करें, इसमें जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 6 देगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 8x वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट आ जाएगा, dx बाई डी एक्स 1 है तो क्या बचेगा? सिर्फ माइनस 8y स्क्वायर, y कांस्टेंट मान लेगा, और इसको 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 करके फायदा ही नहीं है क्योंकि x के साथ पार्शियल डेरिवेटिव है, तो ये इसको कांस्टेंट मानते हुए जीरो कर देगा। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा। अब आपको ओरिजिन पे निकालना है तो ओरिजिन में y कोऑर्डिनेट क्या पुट करना है? जीरो। तो कितना कैप आ गया? -6i कैप। डन। +8 आएगा। चलो +8 आएगा। डन। फर्क कोई इस बाई चांस इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि y को एंड जीरो पुट करना है। ठीक हो गया था। इसके बाद सेम कॉन्सेप्ट करना है y में। ये मैंने डिफरेंशिएट किया, ये मैंने खुद पता नहीं मैंने क्या किया क्या नहीं किया, इसको अगर मैं ओपन करूंगा माइनस, इसको माइनस बाहर आने देते हैं, इसको करेंगे तो जीरो आएगा, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो -8x (2y) आएगा, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो अकेला -8 आएगा, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो +6z आएगा, dy by dy 1 होता है और ये 0 आएगा ऐसे। पर क्योंकि सब ओरिजिन में निकालना है तो मैं बाद में सोच रहा हूँ डिफरेंशिएट कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि जिसमें y z आ रहा है वो तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? 0। तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस प्लस 8 कैप आएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो z को करने का फायदा नहीं क्योंकि डिफरेंशिएट जब z में करेंगे तो ये 0, ये 0, ये 0, और ये करेंगे 6y, ये करेंगे 8z। अब आंसर yz में आएगा, लेकिन जब ओरिजिन की वजह से yz को 0 पुट करेंगे तो नेट आंसर z का 0 ही आएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास ex और ey की ये वैल्यूज आ जाएंगी, ये रहा ex और ये रहा ey, z में आएगा नहीं। तो नेट e की वैल्यू वेक्टर सम अंडर रूट ऑफ -6 और 8 का स्क्वायर, तो ये टर्म आएगी 10, तो फोर्स क्या होगी? चार्ज इंटू ई, क्यू इंटू ई आंसर 20। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? कि पहले ई निकलेगा मैग्नीट्यूड, पहले वेक्टर सम निकलेगा ई, फिर क्यू इनटू ई। बट डाउट इसमें? ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 में डाउट। 3 में डाउट होगा? नहीं है? यस सर है। डाउट है। क्या किया? स्लोप निकाल ली। सही है। देखो इस फिगर के अंदर ये क्वेश्चन है, ये 2, 3, 4, और 5 जो दिख नहीं रहा आपके असाइनमेंट में, पांचवा रीजन ये है। अब क्योंकि ग्राफ किसके किसके बीच में है? v और x के बीच में है, और मुझे पता है कि अगर मैं इसकी स्लोप निकाल लूं तो क्या आएगी? dv by dx आएगी, और dv by dx का मैग्नीट्यूड आपको क्या देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देता है। ये क्लियर है? अब मुझे ये पता लग रहा है कि ab पोर्शन की स्लोप ही नहीं है, cd पोर्शन की स्लोप ही नहीं है, फिफ्थ वाले रीजन की स्लोप ही नहीं है, तो यहां पर e तीनों जगह पे क्या होगा? 0। तो एक आंसर तो मिल ही गया मुझे, ये रहा। बस यहीं से देखते हुए आंसर मार्क कर दो, आंसर एक ही तो है ऑप्शन। पर अगर वैसे कंपेयर करना है कि E2 बड़ा है या E4 बड़ा है, जिसकी स्लोप बड़ी होगी, tan थीटा बड़ा होगा, उसका आंसर बड़ा होगा।
तो इसकी स्लोप बड़ी है इसमें ई फोर की, क्योंकि इसका टैन थीटा बड़ा है, इसका टैन थीटा छोटा आएगा, तो मैग्नीट्यूड में ई फोर ग्रेटर देन ई टू। पर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि यहीं से आपका आंसर मार्क हो सकता है। तो स्लोप चेक करनी है, बात समझ में आती है यहाँ तक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री के बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन के अंदर ये ना एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी, आज हम करेंगे भी इसे थोड़ा सा, क्या कि एक चार्ज कंडक्टर है, ये चार्ज कंडक्टर है, कंडक्टर है, कंडक्टर सुनते ही पता लगता है कि इसके अंदर ई क्या होगा, जीरो। कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के टॉपिक में, कंडक्टर के पास कोई भी पॉइंट है वहां पर ई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि जितना छोटा कर्व होगा, छोटा सिग्मा वहां पर उतना बड़ा होगा, मैंने लिखवाया था सिग्मा लोकल टू दी सरफेस है, तो जितना छोटा कर्व होगा सिग्मा उतना बड़ा होगा, जितना बड़ा कर्व होगा सिग्मा उतना ही वहां पर छोटा होगा। क्लियर है यहां तक? तो जितना तीखे पॉइंट होंगे, कर्व ज्यादा होगा, तो सिग्मा वहां बड़ा पाया जाएगा, कोई डाउट इसमें? तो अब इसमें वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पी पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, पोटेंशियल यहां पर वी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो बोलो क्यू पॉइंट पर सिग्मा की वैल्यू इस पी पॉइंट से क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इसका रेडियस बढ़ गया तो सिग्मा इसका कम हो गया, तो सिग्मा की फॉर्म में लेस देन सिग्मा। क्लियर है? या ये आंसर ये तो हो नहीं सकता, ए और बी तो उड़ गए, तो लेस देन सिग्मा। क्लियर है? सेकेंड प्रॉपर्टी, जो ई की वैल्यू है, ई की अगर यहां ई है, क्योंकि यहां सिग्मा बड़ा है, और ई क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पर ई भी बड़ा है, क्योंकि ई का फॉर्मूला यहां पर क्या बनेगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहां सिग्मा छोटा है तो ई भी छोटा है, तो लेस देन ई इज द आंसर। ये रहा, इन दोनों में से वैसे ही पता लग गया आंसर आ गया। हाँ, एक और प्रॉपर्टी आज हम करेंगे, किसी भी कंडक्टर के अंदर ई हमेशा क्या होता है, जीरो। ई क्या होता है, ई होता है माइनस डीवी बाय डीआर, पर क्योंकि इनसाइड अ कंडक्टर ई जीरो है, तो वी इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, वी कांस्टेंट है, तो याद रखना वी की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, कंडक्टर के अंदर सरफेस के ऊपर कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होती, जहां मर्जी चाहे टेढ़ा मेढ़ा कंडक्टर हो, चाहे कैसा भी कंडक्टर हो, वी सेम रहेगा। कोई डाउट इसमें? तो ऑनलाइन भी क्लियर है? यस सर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव हमने शीट में किया हुआ है, सिक्स। सिक्स क्वेश्चन को कितने लोगों ने कर लिया? ठीक है, ये इलेक्ट्रिक लाइन देख रहे हो, इन इलेक्ट्रिक लाइंस में वो कह रहा है कि एक सी पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, एक डी पॉइंट है और एक ए पॉइंट है, अलग अलग दूरी पे है। आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ए बी सी डी में से किसका छोटा किसका बड़ा है। आप एक काम करें, आप अगर यहां पर लाइंस ड्रॉ करते हैं स्केल लेके परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो लाइंस क्या कहलाएंगी, इक्विपोटेंशियल लाइंस, लास्ट टाइम किया था। तो आप एक सी में से लाइन को क्रॉस करवाएं परपेंडिकुलर, एक आप डी में से करवाएं, एक आप बी में से करवाएं, एक आप ए में से करवाएं, तो आपको ये समझ में आ गया कि इक्विपोटेंशियल लाइंस है, यहां पर पोटेंशियल सेम रहेगा, यहां पर पोटेंशियल सेम, यहां पर और यहां पर। अब एज यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, तो सबसे कम पोटेंशियल इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट है उसका होगा, यानी कि सी का होगा, उससे ज्यादा इसका होगा, डी का होगा, उससे ज्यादा बी का होगा, उससे ज्यादा ए का सबसे बड़ा होगा आंसर। तो कैसे चेक करना, समझ में आ रहा है यहां तक पोटेंशियल? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट हैंड रिटन में किया हुआ है, हैंड रिटन में किया हुआ है, बस ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 10, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 10 में फर्स्ट क्वेश्चन, कितने लोगों को डाउट है, कितने लोगों ने ट्राई किया? फर्स्ट में डाउट है।
देखो इसमें क्वेश्चन नंबर वन क्लियर है, क्वेश्चन नंबर टू कितने को डाउट है? क्या हमने ये शीट में किया हुआ है? किया हुआ है। चार चार्जेस हैं, माइनस क्यू चार्ज को यहाँ से इन्फिनिटी पे रख के रखना होता था, किया हुआ है मेरे को लगता है, डन इन क्लास। क्वेश्चन नंबर थ्री, डाउट थ्री में आपको चार्जेस गिवन है आर प्लेस्ड एट ईच ऑफ द फोर कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, पुट कर दिया, साइड गिवन है, पोटेंशियल एट इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल। तो क्यू चार्ज यहाँ क्या पोटेंशियल आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई ए बाई रूट टू, ऐसे चार चार्ज है, इंटू चार कर दो आंसर, चारों ऐड हो गए। क्वेश्चन नंबर फोर में डाउट, फोर क्लियर। क्वेश्चन नंबर फाइव में डाउट, यस सर। फिफ्थ क्वेश्चन में टू इलेक्ट्रिक चार्जेस 12 एंड -6 आर प्लेस 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर, देयर विल बी अ पॉइंट पी ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दीज चार्जेस एंड आउटसाइड द रीजन बिटवीन देम एट विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। कह रहा है ये चार्जेस हैं, तो इन चार्जेस में लाइन ज्वाइनिंग देम आउटसाइड दिस रीजन, इसके बीच में नहीं बाहर, एक पॉइंट लाई करता है, बताओ वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, एक्स बताओ, ताकि इन चार्जेस का पोटेंशियल यहाँ पर जीरो हो जाए। तो एक बात बताओ, ये -6 यहाँ पर क्या पोटेंशियल लगाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -6 का चार्ज अपॉन एक्स सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कर लिया, और 12 माइक्रो कूलम क्या लगाएगा? 20 + x × 10⁻²⁻², इक्वल टू क्या कर देना है? जीरो, एक्स निकाल देना। ठीक है यहाँ तक? तो सर इसमें हमें 0.12 न्यूटन कूलम के पास ही ले सकते, किसमें? हाँ कर सकते हैं, लेकिन उसने जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन पूछा है 6 के पास, डिस्टेंस बी फ्रॉम -6, तो -6 के पास रखो। ओके सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करना, स्फीयर का क्वेश्चन है, अभी करेंगे थोड़ी देर में। क्वेश्चन नंबर 7, सेवंथ में टू पॉइंट चार्जेस 1000 माइक्रो कूलम एंड 5 माइक्रो कूलम आर प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, रख दिया। द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द चार्ज 5 माइक्रो कूलम फ्रॉम बी टू सी, तो मेरे को इस 5 माइक्रो कूलम को बी से सी पे रखना है, ये बताना है। क्लियर है यहां तक? अब रूल नंबर वन, आपने क्योंकि 5 माइक्रो कूलम को उठा के रखना है तो ये पोटेंशियल में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज है, तो कौन करेगा? 100 करेगा। तो 100 क्या करेगा? यहां पे पोटेंशियल लगाएगा, कितना लगाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 100 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 40 × 10⁻², निकाल लोगे। 100 यहां पर भी पोटेंशियल लगाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस अपॉन दिस, कर लोगे तो पोटेंशियल सी पे आ गया, बी पे आ गया। कितने चार्ज को उठा के रखना है? इतने। तो वर्क डन अपॉन 5 × 10⁻⁶ इज पोटेंशियल का डिफरेंस, क्योंकि आपने चार्ज को बी से सी पे रखा, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, यानी कि वी सी माइनस वी बी। तो यहां से वर्क डन की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, क्योंकि वी सी वी बी आप निकाल लोगे, लेकिन पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है, इसमें 100 माइक्रो कूलम कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, जो मूव कर रहा है चार्ज वो कभी भी कॉन्ट्रीब्यूट करता ही नहीं। कोई डाउट इसमें? गूगल ड्राइव पे मैंने डाल दिया है ये, आप वहां से चेक कर सकते हो सोल्यूशन। ठीक है यहां तक? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, डाउट कौन सा? एट्स में, एट्स में आपको एक रेक्टेंगल गिवन है जिसमें Q1 Q2 चार्जेस हैं, ये रहे। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज 3 फ्रॉम बी टू ए, यहां से यहां चार्ज को रखना है 3 माइक्रो कूलम को। देखो क्योंकि 3 माइक्रो कूलम तो मूव कर रहा है चार्ज, तो ये तो पोटेंशियल में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो पहले Q1 यहां पोटेंशियल लगाएगा, Q2 लगाएगा, तो VA निकाल लोगे, ऐसे Q1 B पे लगाएगा, Q2 B पे लगाएगा, तो VB निकाल लोगे, क्योंकि चार्ज को B से A पे रखा, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वर्क डन आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 9 क्लियर है? माइनस क्यू को इक्विलेटरल ट्रायंगल से ए से सी पे रख दिया, तो क्या वर्क डन किया?
देखो माइनस क्यू को मूव करवा रहे हैं तो ये तो पोटेंशियल में कंट्रीब्यूट करेगा ही नहीं, कौन करेगा, क्यू करेगा, जितना पोटेंशियल क्यू यहां लगाएगा उतना ही पोटेंशियल क्यू यहां भी लगाएगा, तो पोटेंशियल की वैल्यू विल रिमेन सेम, तो ए और सी का पोटेंशियल सेम है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल डिफरेंस, तो ए और सी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जीरो, तो वर्क डन की वैल्यू क्या है, जीरो, सही, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, टेंथ में आपको ये फिक्स चार्जेस गिवन है 6, एक चार्ज यहां पर क्या पोटेंशियल लगाएगा, 1/4πε0Q/R, ऐसे कितने चार्ज हैं, 6 पोटेंशियल आ गया अभी। अब आपको एक इमेजिनरी चार्ज Q को कहां पे रखना है, आपको फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन निकालना है, सेंटर से इंफिनिटी पे लेके जाना है, तो एक काम करते हैं, V एट इंफिनिटी माइनस V एट सेंटर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब आपने ये जो पोटेंशियल निकाला वो सेंटर पे निकाला, इंफिनिटी पे पोटेंशियल क्या है, जीरो, तो वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, माइनस क्यू इंटू वी सी, पर आंसर तो पॉजिटिव में गिवन है, वो क्यों, आंसर नेगेटिव में आ रहा है, क्योंकि ये एक्सटर्नल वर्क डन है और उसने क्या पूछा, इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्क डन है, तो जो आंसर आएगा माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। पॉइंट समझ में आया यहां तक। टेंथ के बाद क्वेश्चन नंबर 11th, 11th में इलेक्ट्रिक फील्ड ई गिवन है और आर गिवन है, ग्राफ गिवन है, इज टेकन, कह रहे ई इज टेकन एज पॉजिटिव इफ इट्स डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन 2 कूलम चार्ज इफ इट इज टेकन फ्रॉम दिस कोऑर्डिनेट टू दिस कोऑर्डिनेट, तो अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो इसकी पोजीशन क्या पाई जाएगी, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, जीरो के कैप, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, रूट टू, ऐसे ही 3i कैप प्लस 0j कैप, आंसर 3 आएगा, तो यानी कि मैं किसी रूट टू पोजीशन से 3 पोजीशन तक चार्ज को लेके जा रहा हूं। अब मुझे पता है कि ये एक्सिस ई है, ये एक्सिस आर है, अगर मैं एरिया निकालूं ई और आर का, तो ई इंटू आर आएगा, ई इंटू आर क्या होता है, पोटेंशियल का डिफरेंस, पर मेरे को सारा एरिया नहीं निकालना, क्योंकि मेरे को 0 से लेके 3 तक का तो काम करना ही नहीं, मेरे को चार्ज कहां से कहां लेके जाना है, रूट टू से थ्री, रूट टू से थ्री, तो रूट टू से थ्री लेके जाना है, तो मैं एरिया सिर्फ और सिर्फ किसका निकालूंगा, इस ट्राइंगल का, तो जो भी इस ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एरिया आएगा वो क्या माना जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, वर्क डन अपॉन चार्ज, तो वर्क डन क्या है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज आपको दिया हुआ है 2 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस आपने एरिया से निकाल लिया, मल्टीप्लाई करके आपने वर्क डन निकाल लिया, आंसर।